हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षा हाउ आर यू ऑल आई होप एवरी वन इज डूइंग फाइन सो फ्रेंड्स दिस इज़ लेक्चर नंबर एटीन फॉर एम सी क्यूज ऑन करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इशू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग यू पी एस सी पी एफ ओ एग्जाम उसके अलावा आपको सिविल सर्विसेज का एग्जाम अगर आप दे रहे हो सी डी एस एन डी एस सी ए पी एफ स्टेट सर्विसेज लाइक हरियाणा और हिमाचल तो उन सब एग्जाम्स में भी आपको काफ़ी यूजफुल रहने वाला है ये ओके यू कैन गो फॉर द एम सी क्यू कोर्सेज फॉर ई पी एफ ओ लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है कूपन कोड इज़ स्टिल वैलिड सेल फिफ्टी आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं ओके फॉर परचेजिंग दिस पर्टिकुलर कोर्सेज पी डी एफ आपको इन लेक्चर्स की जो है उसका लिए भी डिंक लिंक uh, जो है डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो सो लेटेस्ट क्विकली स्टार्ट प्रोसेस वही रहेगा दस क्वेश्चन हम लोगों ने करने हैं पहले क्वेश्चन आप लोगों ने देखना है समझना है उसके बाद उसको अटेम्प्ट करके फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करना है कोई भी डाउट आता है व्हाट्सएप कर सकते हो नाइन पर या मेल कर सकते हो सिक्सित एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर ओके okay? चलो सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पहला क्वेश्चन आपको सीधा सीधा जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वैनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व का पार्ट है पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है दूसरा कहता है कि ये जो वैनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इससे कावरी नदी जो है वो पास करती है थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि जो ये नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व है ये यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रि बायोस्फेयर रिजर्व का पार्ट है आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है टाइम एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ हर लेक्चर में रिपीट कर रहा हूँ बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि करेक्ट इनकरेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन इस एक चीज़ की वजह से रुक जाता है बिकॉज इट कैन डायरेक्टली मेक अ डिफरेंस ऑफ एक तो आपका एक जो करेक्ट कर देते हैं आप क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल अगर दो नंबर का क्वेश्चन है तो दो नंबर तो करेक्ट होने थे वो गए और जो इसको गलत कर दोगे उसका जो नेगेटिव जाएगा फॉर एग्जाम्पल अगर सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन नेगेटिव गया तो टू पॉइंट सिक्स सेवन का नुकसान अपने को हो गया ठीक है तो ये बहुत मेजर नुकसान होता है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विच अम्प एस्पायरेंट कैन नॉट टेक ओके सो ऑप्शन आपके ये हैं वन ओनली टू ओनली वन एंड थ्री ओनली और डी वन टू एंड थ्री अब आप लोग कहोगे कि सर ये तो ज्योग्रफी का क्वेश्चन है तो यूपीएससी ईपीएफओ में नहीं आएगा क्यों लेकिन ये आपका करंट एस्पायर्ड क्वेश्चन है और करंट अफेयर एंड डेवलपमेंट इशू में एनवायरमेंटल कंसर्न जो है एक बहुत मेजर कंसर्न रहता है ठीक है तो ये आपको पता रहना चाहिए ओके okay, चलो आंसर देखें क्या होगा इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी पहले तीन स्टेटमेंट सही पहले आ, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि कावेरी रिवर नहीं फ्लो करती यहाँ पर जो रिवर का नाम आता है दैट इज काबिनी काबिनी जो है ये एक ट्रिब्यूटरी है कावेरी की ही लेकिन कावेरी रिवर आप एज सच नहीं बोलोगे ठीक है तो इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है पहले पहला स्टेटमेंट जो है कि वैरनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नीलगिरी बायोस्फेर रिजर्व का पार्ट है बिल्कुल सही है तीसरा स्टेटमेंट यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फेयर रिजर्व में आता है नीलगिरी ये भी सही है ओके चलो सबसे पहले तो न्यूज में क्यों था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाला इको सेंसिटिव जोन पर और इसमें ये जो इको सेंसिटिव जोन है या जो ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है ये वायनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर के निकलता है बेसिकली इस सेंचुरी में थोड़ा डेवलपमेंटल वर्क करने की बात कर रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए कि भैया तुम कुछ तो छोड़ दो इन्वायरमेंट के लिए ओके okay? सो so, इसी वजह से वायनाथ जो है आपका न्यूज़ में था और इसीलिए वायनाथ से रिलेटेड कुछ आपसे स्टेटमेंट्स हमने पूछ लिए केरला के अंदर लोकेटेड है वायनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व का पार्ट है ओके काबिनी रिवर पास करती है सेंचुरी से नॉट कावेरी रिवर नीलगिरी रिजर्व पहला रिजर्व था इंडिया का इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व 2012 में अब वो इस तरह की स्टेटमेंट भी आपके पेपर में डाल सकता है कि क्या ये पहला था या कोई और नाम दे देगा कि क्या ये वाला पहला था तो आप कह दोगे कि नहीं भैया नीलगिरी वाला पहला था ठीक है और उसके अलावा आपका जो नीलगिरी बायोस्फेर रिजर्व है उसमें वैनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अलावा और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाती हैं जैसे एक आपकी मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एक बंदीपुर नेशनल पार्क है नगर होल नेशनल पार्क है मुकुर्ती नेशनल पार्क है साइलेंट वैली है तो ये सारे के सारे आपके नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व का पार्ट है और राइट आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जा सकता है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन अगेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर क्वेश्चन है पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टेटमेंट गिवन है कि भैया पहले तो ब्यास नदी के ऊपर है पंजाब स्टेट में ठीक है नदी पता होनी चाहिए बार हेडिड गीज इज अ फ्लैगशिप स्पीशीज इन द सेंचुरी फ्लैगशिप स्पीशीज क्या होता है फ्लैगशिप स्पीशीज का मतलब आपको पता होना चाहिए ठीक है तभी आप थोड़ा सा आइडिया इसका लगा सकते हो कि व्हाट इज फ्लैगशिप स्पीशीज ये भी मैं आपको चलो अभी बताता हूँ इट इज नोन मतलब कि ये बार हेडेड गीज इज नोन फॉर इट्स फ्लाइंग कैपेसिटी एट एक्सट्रीम ऑल्टीट्यूड दैट इज हाइट ऑफ मोर देन सात हजार मीटर सात हजार मीटर से ऊंची हाइट पर ये फ्लाई कर सकता है आपको बताना है कॉन्सेप्ट करेक्ट है अगेन पहला और दूसरा करेक्ट है दूसरा और तीसरा करेक्ट है पहला और तीसरा करेक्ट है या फिर आपके ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट दैट इज वन टू एंड थ्री चलो आंसर इस केस में आपका ऑप्शन बी है ठीक है जी ऑप्शन बी पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है बाकी के दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है फ्लैगशिप स्पीशीज़ क्या होता है फ्लैगशिप स्पीशीज अगर हम किसी रीजन किसी फॉरेस्ट किसी एरिया की फ्लैगशिप स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं तो फ्लैगशिप स्पीशीज़ किसी भी स्पीशीज को इसीलिए डिक्लेयर किया जाता है कि अगर उस पर्टिकुलर स्पीशीज में डिक्लाइन हो रहा है तो डेफिनेटली हमें ये आइडिया लग जाता है कि नेचर के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रहा है एनवायरमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रहा है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन चल रहा है ठीक है तो फ्लैगशिप स्पीशीज़ हाईलाइट करती है उस एरिया का एनवायरमेंटल हेल्थ ठीक है तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है क्योंकि जो पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है है ये हिमाचल प्रदेश में है। वाला पॉइंट ठीक था लेकिन पंजाब स्टेट वाला पॉइंट गलत था ओके माइग्रेटरी बर्ड सेंसस कंडक्ट किया गया था रिसेंटली सेंचुरी में इसी वजह से ये न्यूज में था एनुअल बर्ड काउंट जो हुआ उसमें रिवील हुआ कि थाउजेंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स हैव डाइड एट द लेक और क्यों डेथ हुई थी बर्ड फ्लू आया था आपका 2020 दिसंबर में उसकी वजह से हजारों बर्ड्स की यहां पर डेथ हो गई हेडिड गीज है वो इस एरिया का फ्लैगशिप स्पीशीज है और ये जो बर्ड है अपनी हाई ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग के लिए नोन है इट कैन फ्लाई ओवर हाइट ऑफ सेवन थाउजेंड मीटर सो दिस इज द स्पेशल पॉइंट अबाउट दिस पर्टिकुलर बर्ड तो आप देख रहे हो कि एनवायरमेंट एज सच आपके सिलेबस में मैंशन नहीं है लेकिन करंट अफेयर एंड डेवलपमेंट इश्यूज के थ्रू वो पूछ सकता है चलिए थर्ड क्वेश्चन देखो विच ऑफ़ द फॉलोइंग कमिटीज़ आर रिलेटेड टू रिफॉर्म्स इन banking सेक्टर इनमें से कौन सी कमेटी बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म से रिलेटेड है ऑप्शन ए नरसिमन कमेटी इसको आप इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में भी रख सकते हो ये आपका इकोनॉमिक्स का डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है इकोनॉमी का इंडियन इकोनॉमी का ठीक है तो बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म में नरसिमन कमेटी पीजे नायक कमेटी अभिजीत सेन कमेटी सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो ऑप्शन ए वन एंड टू ओनली बी टू एंड थ्री ओनली सी वन ओनली एंड डी वन टू एंड थ्री आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट होगा तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए जो अभिजीत सेन कमेटी है दैट इज नॉट रिलेटेड टू बैंकिंग रिफॉर्म्स वो फूड सेक्टर से रिलेटेड एक कमेटी है ओके सो अभिजीत सेन कमेटी नहीं होगी बाकी की दो कमेटी आपकी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है दैट इज वाई आंसर ए ओके सो so, न्यूज़ में क्यों था क्योंकि यूनियन बजट ने 2021 में अनाउंस किया कि हम दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को और प्राइवेटाइज करेंगे जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा उन्होंने डिक्लेयर कर दिया उन्होंने नाम नहीं बताए और साथ ही उन्होंने बताया कि एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को भी हम दो हज़ार के अंदर उसको प्राइवेटाइज कर देंगे अब इसी वजह से फिर हमने थोड़ा सा स्टडी किया कि क्या कोई कमिटीज़ ऐसी बनाई है सरकार ने जिन्होंने बोला हो कि यार ये पब्लिक बैंक्स को थोड़ा प्राइवेटाइज वगैरह करो तो नरसिम्हन कमेटी बनाई एक 1998 में इस कमेटी ने कहा कि जो मेजर प्राइवेट बैंक मेजर पब्लिक बैंक है आप उनको मर्ज कर दो इससे मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा इंडस्ट्री के ऊपर क्योंकि ये सेक्टर्स बड़े हो जाएंगे इंडियन बैंक के बैंकिंग सिस्टम की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और कैपिटल एडिकुसी नॉर्म्स को भी रेज किया जा सकता है ठीक है उसके अलावा इसने कहा कि जो बोर्ड के फंक्शंस हैं उनको रिव्यू किया जाए प्रोफेशनल कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी जो है वो अडॉप्ट की जाए बैंकिंग सिस्टम के अंदर और गवर्नमेंट कंट्रोल को जितना हो सके वो कम किया जाए मैनेजमेंट के अंदर ओके okay? और बैंक को ऑटोनोमी प्रोवाइड की जाए उसके बाद एक पीजे नायक कमिटी आई 2014 में इसने भी क्या कहा कि जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको कंपनीज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए एज पर द कंपनीज एक्ट और ठीक है उसके अलावा इसने बोला कि एक बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाई जाए कंपनीज एक्ट के अंदर जिसमें जो शेयर्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के वो इस पर्टिकुलर बैंकिंग इन्वेस्टिंग कंपनी को ट्रांसफर कर दिया जाए और बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी जो ये होगी इसके पास पी एस को कंट्रोल करने की पावर होनी चाहिए और जो वोटिंग राइट्स हैं शेयर होल्डर्स का या जो शेयर होल्डिंग है सरकार की उसको 40 परसेंट से या 40 परसेंट से कम लेकर के आया जाए तो ये पीजे नायक कमेटी ने बोला अब जो ये अभिजीत सेन कमेटी है ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड नहीं है इसने किस चीज की बात की थी लॉन्ग टर्म फूड पॉलिसी ऑफ इंडिया के ऊपर यह कमेटी बनाई गई थी दो के अंदर बेसिकली इस कमेटी को बोला गया था कि ये इम्पैक्ट स्टडी करे कि अगर हम फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं एग्रीकल्चरल कमोडिटी प्राइजेस में तो क्या इंपैक्ट होगा उसका तो ये आपका बेसिकली नॉन बैंकिंग रिफॉर्म था इसीलिए अभिजीत सेन कमेटी आपके आंसर के अंदर नहीं थी तो यूपीएससी का पेपर जो बच्चे देने जा रहे हैं वो इस तरह की इनोवेशन एक्सपेक्ट करें अपने एग्जामिनेशन में चलो फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ वंस अगेन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर्टिकल एटी सेवन प्रोवाइड फॉर द स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ये रेपिटेशन है क्वेश्चन का पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था लेकिन इंपॉर्टेंट है पॉलिटी का पार्ट बन जाता है एग्जैक्ट रेपिटिशन नहीं है इट इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ दैट क्वेश्चन आर्टिकल 87 स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करता है प्रेजिडेंट एड्रेस इज द स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट द एड्रेस ऑफ प्रेजिडेंट इज हेल्ड एट द दमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एवरी ईयर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ठीक है ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था पिछले लेक्चर के अंदर सेवनटीन्थ लेक्चर के अंदर तो उसको डिटेल में अब डिस्कस नहीं करेंगे आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा तीनों स्टेटमेंट जो है सही है मोशन ऑफ थैंक्स जो आपका आता है जो बजट जब पेश किया जाता है उसके कंटेक्स में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपका बना हुआ है ओके okay? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टिफेक्ट टिफेक्ट का क्या फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि भैया ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अच्छा तो मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए कि क्या ये ये मिनिस्ट्री सही बोल रहा है है दूसरा क्या ऑटोनॉमस यह ऑटोनॉमसमेंट ये जो आपका टिफिक है इसने एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है सक्षम इसका काम क्या होगा ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स को एलिमिनेट कर देगा और डायरेक्टली जो मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उसको डायरेक्टली लिंक करेगा लेबर के साथ ठीक है तो बीच में कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको खत्म कर दिया जाएगा जिससे इंप्लॉई को ज्यादा पैसे मिल पाएंगे और इम्प्लॉयर को भी जो है कमीशन वगैरह नहीं पे करना पड़ेगा तो इसमें भी भी आपको क्या थर्ड थर्ड स्टेटमेंट है सी वीड मिशन फॉर कमर्शियल फार्मिंग एंड वैल्यू एडिशन ऑफ सी वीड्स ये भी आपका टिफेक ने लॉन्च किया आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है सो द आंसर इज बी पहला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है पहला स्टेटमेंट करेक्ट क्यों नहीं है क्योंकि मिनिस्ट्री गलत गिवन है आपको ठीक है तो जैसे कि मैंने आपको बताया ऑटोनोमस तो है पर मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है दो इनिशिएटिव इसने लॉन्च किए सक्षम और सीवीड मिशन सक्षम जो है डायनामिक जॉब पोर्टल मैपिंग और स्किल ऑफ लेबर्स विद एमएसएम को डायरेक्टली लिंक करेगा सीवीड मिशन बात करता है कॉमर्शियल फार्मिंग की सीवीड्स में ताकि फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज किया जाए अच्छा बजट जब आया था ना आपका 2021 में बजट आया था 2021 में तो एक आ, सी वीड पार्क करके बनाने की बात की आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में, में मेरे को बताना है कि ये सी वीड पार्क कौन सी स्टेट में बनेगा कौन सी स्टेट में ये सी वीड पार्क बनना है जो 2021 में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि हमारी सरकार ये सी वीड पार्क बनाएगी ठीक है चलो सिक्स क्वेश्चन पर आ जाओ फैक्चुअल क्वेश्चन है मेरी सहेली इनिशिएटिव जो वुमेन सिक्योरिटी के लिए एक इनिशिएटिव है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है ऑप्शन ए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल कॉन्सल्टिफेक् देखो इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन जनरली बच्चे मिस कर जाते हैं ये बोल के कि हम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी तो फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछता नॉलेज जज करता है टाइम एंड अगेन रिपीट किया है कि यूपीएससी इज द अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन यू कैन नॉट प्रेडिक्ट देम और पिछले कुछ सालों के पेपरों में यूपीएससी ने ये प्रूफ किया है कि यूपीएससी कैन आल्सो आस्क यू द वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन सो द आंसर इन दिस केस इज ऑप्शन सी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने यह पर्टिकुलर इनिशिएटिव मेरी सहेली इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया है चलो सेवंथ क्वेश्चन के ऊपर नेशनल फेलोशिप स्कीम फॉर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड स्टेटमेंट कंसिडर करना है पहला स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड्स fellowships to the scheduled का स्टूडेंट्स who आर परसुइंग एम फिल एंड पी क्या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देता है पहला स्टेटमेंट तो ये डिसाइड करने का हो गया दूसरा ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और स्टेट वाइज फंड एलोकेट नहीं किए जाते इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप डायरेक्टली दिया जाता है कौन सा स्टेटमेंट अगेन करेक्ट है पहला दूसरा दोनों या नन ऑफ दी अबव ठीक है पड़ा हुआ है अगर करंट अफेयर रेगुलरली तभी आंसर कर सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टू ओनली ठीक है पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मिनिस्ट्री जो है वो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आता है एजुकेशन के अंडर नहीं आता और जो फेलोशिप स्कीम है इसमें शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को जो एम और पी कर रहे हैं उनको फेलो जो है स्कॉलरशिप दिया जाता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है स्टेट वाइज फंड एलोकेट नहीं किए जाते हैं ओके okay? चलो एर्थ क्वेश्चन पर आ जाओ वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ शैतूत और द लालंदर डैम विच इज़ बींग लेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली इन फेबररी ट्वेंटी ट्वेंटी वन कौन से देश में हम ये डैम पर्टिकुलर जो है वो बना रहे हैं नेपाल में भूटान में बांग्लादेश में अफगानिस्तान में ईजी है क्योंकि ये टाइम एंड अगेन कोई जो है न्यूज़ में आता ही रहता है अगेन एंड अगेन तो द आंसर हेयर इज़ ऑप्शन डी अफगानिस्तान में ये पर्टिकुलर डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है बाय द इंडियन गवर्नमेंट विच गवर्नमेंट रिलीज़ द इंडिया एनर्जी आउटलुक ट्वेंटी ट्वेंटी वन रिपोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन है यह पर्टिकुलर रिपोर्ट किसने रिलीज की और आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी गिवन है इस रिपोर्ट में प्रेडिक्ट किया गया है कि इंडिया जो है यूरोपियन यूनियन को पास कर जाएगा एज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी एनर्जी कंज्यूमर बाय ट्वेंटी थर्टी ठीक है तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एज पर द इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट इंडिया विल सरपास यूरोपियन यूनियन टू बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बाय विच ईयर ओके तो इस तरह से भी तैयार रहना है आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईई ने ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है वो निकाला है चलो लास्ट क्वेश्चन देखो इस पर्टिकुलर लेक्चर का विथ स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द वेब पोर्टल ऑन डिजिटल वर्क फोर्स मैनेजमेंट सिस्टम अंडर इट्स नॉलेज मिशन डिजिटल वर्क फोर्स मैनेजमेंट सिस्टम कर्नाटका ने किया है असाम ने तमिलनाडु ने या केरला ने अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है या तो आता है या नहीं आता है आंसर हो जाएगा डी केरला केरला ने अपना डिजिटल वर्क फोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है ओके सो नाइन्थ फेबररी को लॉन्च किया गया था मिशन का एम क्या है कि केरला को एक नॉलेज सेंटर बनाया जा सके और इस मिशन के तहत जो सरकार है uh, इन्होंने एक डिजिटल वर्कफोर्स मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया इट विल आल्सो बी यूज्ड बाय द केरला गवर्नमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट इंश्योरेंस एंड लोन असिस्टेंस टू एंटरप्रेन्योर्स एंटरप्रेन्योर्स को लोन और इंश्योरेंस असिस्टेंस भी इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी ओके चलिए ऑलरे गाइज सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आर लेक्चर आई होप यू एन्जॉय द लेक्चर द एमसी क्यू कोर्सेज आर देयर ऑन द वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में है पी डी एफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप डिस्क्रिप्शन से उनको एक्सप्लोर कर सकते हो वेबसाइट के ऊपर आप जा सकते हो डब्ल्यू कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप पर मेल में आप जो है अपने क्लियर कर सकते हैं ऑलराइट सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन ऑल द बेस्ट एंड बाय